जागरूक गोरखपुर जागो फाउंडेशन के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 4 फरवरी से 4 फरवरी 2022 तक चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में चौरी चौरा के अमर शहीदों की याद में पहली बार गोरखपुर से चौरी चौरा शहीद स्मारक तक 27 किलोमीटर तक 53 कलाकारों के द्वारा पैदल नृत्य यात्रा निकाला गया, जिसका शुभारंभ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर किया और खुद भी पैदल चलते हुए नृत्य यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि यह नृत्य यात्रा कलेक्ट्रेट से शुरू होकर चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल पर जाकर समाप्त हुआ, जिसमें 53 नृत्य करने वाले छात्राओं ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह नृत्य यात्रा जागरूक गोरखपुर फाउंडेशन के द्वारा निकाला जा रहा है, जो कि चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल तक पैदल डांस करते हुए चौरी चौरा शहीदों की याद में यात्रा निकाल रहे हैं और यह यात्रा पूरी तरह उन शहीदों को समर्पित है। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अमित पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आजादी के लड़ाई में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया करने जा रहे हैं और उसमें प्रतिभागी के रूप में उससे भी ज्यादा एकदम बोले तो फाड़ उतर Thank you.
पास वो सिर्फ हम लोग पैदल पैदल नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। आज चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो 4 फरवरी 2021 से प्रारंभ हुआ है और 4 फरवरी 2022 तक जाएगा, इसमें जागरूक गोरखपुर संस्था के द्वारा 53 बच्चे जो 10 साल से लेकर के और 40 साल उम्र के लोग थे उनके द्वारा एक सांस्कृतिक यात्रा की गई। पूरे मार्ग में कलेक्ट्रेट से प्रारंभ करके डांस किया गया और 27 किलोमीटर की यात्रा की गई कलेक्ट्रेट से प्रारंभ करके चौरी चौरा मेमोरियल तक। सुबह हम लोगों ने लगभग 7:30 बजे प्रारंभ किया और 4 बजे को चौरी चौरा पहुँचे। लगभग 9 घंटे और 27 किलोमीटर की यात्रा मार्ग में बच्चे चौरी चौरा थीम सांग पर डांस करते रहे। इसका उद्देश्य यह था कि मार्ग में जो भी लोग इस प्रतियोगिता को, इस कार्यक्रम को देखें, वे उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो। हमारा उद्देश्य था कि हम शहीदों को इस प्रकार से यात्रा करते हुए, नृत्य यात्रा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो झांकी वगैरह भी निकाली गई थी? इसमें झांकी नहीं थी, इसमें सभी बच्चे ड्रेस पहने हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, नृत्य की वेशभूषा में थे और बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और पूरे यात्रा मार्ग में लोगों ने इसको बहुत उत्साह से देखा भी और समर्थन किया।